राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है जनसंख्या का प्रवास। अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए निवास स्थान में परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है। स्थानीय गतिशीलता, कम समय के लिए स्थान परिवर्तन या अनेक स्थानों पर आना जाना प्रवास नहीं कहलाता है। प्रवासी वही है जिसकी गणना अपने जन्म स्थान पर नहीं अपितु किसी अन्य स्थान पर होती है। उद्भव प्रदेश या अभिग्राही प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का सीधा संबंध जनसंख्या के प्रवास से है। लोग बेहतर आर्थिक अवसरों, रोजगार और जीवन की बेहतर दशाओं की खोज में प्रवास करते हैं, लेकिन कुछ अनार्थिक कारक जैसे विवाह, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक उथल पुथल, अंतर प्रजातीय संघर्ष तथा बेहतर सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को अपने निवास स्थान से खदेड़ देते हैं, अर्थात छोड़ने को बाध्य कर देते हैं। इच्छुक प्रवासी को आकर्षण और प्रलोभन देने वाली अभिग्राही प्रदेश की दशाएं अपकर्ष कारक यानी फुल फैक्टर्स कहलाती हैं। लोग आकर्षित होकर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों में जा बसे हैं क्योंकि महानगरों में उन्हें बेहतर जीवन के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मंदी वाले प्रदेश में बेरोजगारी की वृद्धि लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने पर बाध्य करती है। इन कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। इन कारकों में प्रमुख हैं जनसंख्या का भारी दबाव, कृषक वर्ग की गरीबी और अत्यधिक बेरोजगारी। 1991 की जनगणना में केवल कुल जनसंख्या के 27.4% भाग की यानी 84.8 करोड़ में 23 करोड़ प्रवासी के रूप में गणना की गई थी। 1981 में प्रवासियों का प्रतिशत 30.6 तथा 1971 में 31.2 था। कुल प्रवासी जनसंख्या में से 62.14% लोगों का जन्म गणना वाले जिले में ही हुआ था। इसे अंतः जिला यानी राज्यांतरीय प्रवास कहते हैं। 1/4 से कुछ अधिक 26.05% लोगों का जन्म उसी राज्य के अन्य जिलों में तथा 10वें भाग से कुछ अधिक 11.82% लोगों का जन्म देश के अन्य राज्यों में हुआ था। इस प्रकार दूरी के बढ़ने पर प्रवासियों का अनुपात घट जाता है। प्रवास के कारण। अंतिम निवास स्थान बदलने वाले व्यक्तियों में से आधे से अधिक लोगों ने विवाह के कारण घर छोड़ा। इसी जनगणना वर्ष में 15% लोगों ने निवास स्थान बदला। इसके विपरीत रोजगार के कारण केवल 9% लोग प्रभावित हुए। केवल 2% लोगों को शिक्षा के कारण प्रवास करना पड़ा। लगभग 1/3 प्रवासियों ने अन्य अनेक सामाजिक आर्थिक कारणों से अपना अंतिम निवास छोड़ा था।
कुल आप्रवासियों में से एक चौथाई से कुछ अधिक पुरुष थे, जबकि लगभग तीन चौथाई महिलाएं थीं। इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न कारणों से प्रवास करते हैं तथा पुरुषों और महिलाओं के प्रवास के अनुपात में भिन्नता होती है। प्रवास के प्रकार। स्थानांतरण की दिशा के आधार पर प्रवास पांच प्रकार का हो सकता है। पहला, गांव से नगर को। दूसरा, नगर से नगर को। तीसरा, गांव से गांव को। चौथा, नगर से गांव को। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। कुल प्रवासियों में से 82.3% लोगों का जन्म स्थान गांव होता है। केवल 17.7% प्रवासी ही कस्बों और नगरों में जन्मे थे। कुल आप्रवासियों में से लगभग एक तिहाई यानी 29.5% नगरों में आए, जबकि गांवों में 70.5% आप्रवासी पहुंचे। इस संबंध में हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महिलाएं अपने जन्म स्थान से पति के घर चली जाती हैं। इसीलिए कुल आप्रवासियों में लगभग तीन चौथाई एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, केवल पांचवां भाग नगरों से गांवों में गया, लगभग 11.7% एक नगर से दूसरे नगर में गए और बहुत कम लोग नगरों से गांवों में गए। दूरी और लिंग के अनुसार ये औसत स्थिति बदल जाती है। जब स्थानांतरण की दूरी और प्रवास के जोखिम बढ़ जाते हैं तो आप्रवासन पुरुष प्रधान और नगरोन्मुख हो जाता है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे अमिताभ वर्मा के स्वर में वार्ता जनसंख्या का प्रवास। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।